नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रीमा प्रसाद। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है 8 सिविल लाइंस। इस प्रोग्राम का नाम हमने 8 सिविल लाइंस क्यों रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही वो ठिकाना है जहाँ प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। यही वो जगह है जहाँ राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है कि कहाँ किसको कितना कब और क्या मिलता है। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यही की हर हलचल के बारे में हम आपको करवाएंगे अपडेट, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइंस की हर हलचल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अहमद पटेल से मुलाकात की, साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे। क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली पहुंचे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत के तीर, सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से बौखला गई है, इसलिए उनके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आगामी दिनों में ये और बढ़ेगा। मोदी जी के जुमले 5 साल तक चले, लोगों को काला धन वापस लाने के वादे किए, लेकिन अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मोदी जी के जुमले 5 साल तक लोगों ने सुन लिए। पिछले चुनाव में एक बार विश्वास किया इनके ऊपर देश की जनता ने और प्रधानमंत्री बना दिया उनको। वादे किए, ब्लैक मनी लाएंगे, नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को, महंगाई कम कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा उस वक्त में। आज मोदी जी बोलते हैं, मैं कहना चाहूँगा उस वक्त में जो मोदी जी बोले थे PM बनने के पहले कैंपेन में, अगर वो आप सुन लो, देशवासी सुन लें, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो मोदी जी बोले हैं वो आज कुछ सुनता तो आश्चर्य करता, ये आदमी क्या बोलता था आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज बिल्कुल यू टर्न कर लिया, अब ना तो वो ब्लैक मनी लाने की बात कर रहे हैं विदेशों से, 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात, ना नोटबंदी की बात कर रहे हैं। आखिर मोदी रोजगार, नोटबंदी, अच्छे दिन, GST की बात क्यों नहीं करते? नोटबंदी को अपनी उपलब्धि बता रहे थे, आज चुनाव कैंपेन में नोटबंदी क्यों नहीं वो मुद्दा बना रहे जीतने के लिए चुनाव? GST को क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं? रात को 12 बजे जैसे स्वतंत्रता मिल रही हो, फ्रीडम मिल रही हो देश को, उस रूप में रात को 12 बजे इन्होंने पूरी कैबिनेट बुला करके, सांसदों को बुला करके फिर घोषणा की GST की, आज उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? BJP सरकार मंदिर की राजनीति करती है, चुनाव आते ही भाजपा को राम मंदिर याद आ जाता है। पुलवामा आतंकी हमले में सरकार की लापरवाही रही, BJP इस मुद्दे पर से लोगों का ध्यान हटाने की राजनीति करती है। चुनाव आते हैं तो इनको राम मंदिर याद आता है। पुलवामा में घटना हुई, 44 लोग मारे गए। अगर आप जो हमारे बहादुर सैनिकों ने, एयरफोर्स के लोगों ने एयरस्ट्राइक करी है, पूरे देश को गर्व है उसके ऊपर, पर जो सरकार की लापरवाही रही, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया पूरे काफिले को और 45 लोग मारे गए, उसको जिम्मेदार कौन होगा उसका? उस पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि टोटली सरकार की फेलियर थी, कि कोई उनको पहले आगाह कर दिया गया था कुछ भी अटैक हो सकता है, उसके बाद में भी अलर्ट करने के बावजूद लापरवाही बरती गई। गहलोत ने मोदी पर तंज कसा और कहा, राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इनका दोबारा आना मुश्किल है। बदनामी इनके ऊपर नहीं आया, सरकार पे नहीं आया, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने पूरा कैंपेन बदल दिया अपना, कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ध्रुवीकरण करके दूसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है चालों को, ना अच्छे दिन आए हैं और जनता को लगता ना अच्छे दिन आने वाले इनके रहते हुए। इनका बदलना सुनिश्चित है चुनाव के अंदर, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, ये अभी तो कुछ नहीं है, चुनाव पूरे होने दो, तब तक तो पता नहीं है क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि इतने बौखला गए हैं, इनको अपनी हार सुनिश्चित लग रही है। पब्लिक रेस्पॉन्स मालूम पड़ जाता, पहले मोदी 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 बोलते थे, वो मोदी मोदी बोलने का माहौल कहाँ है? उस वक्त भी वोट ज़्यादा नहीं पड़े इनके, देशवासी अगर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा
कि 100 में से 31 वोट 31 वोट ले गए मोदी जी 2014 के अंदर भी, उनको घमंड हम नहीं करना चाहिए था। देश की जनता उस वक्त उनके साथ नहीं थी। चुनाव जीतना और बात होती है, और जनता का क्या मानस है, क्या उनकी मैंडेट है, अलग होता है। 100 में से 31 वोट पड़े थे मोदी जी को, इनकी पार्टी को, और 69 वोट पड़े थे खिलाफ में, तभी सरकार ने चलाई है। मोदी राहुल गांधी और उनके परिवार को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं उतने मैसेज मिलने लगे इनको खुद को, बुखलाए हैं, टारगेट करें राहुल गांधी को, उनके परिवार को, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, ये तमाम इनके जुमले साबित हुए। और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं कह सकता हूँ। हाल ही में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के खिलाफ हुई आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर भी गहलोत ने कहा कि पीएमओ के इशारे पर छापेमारी चल रही है, मोदी सीबीआई व ईडी के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव जीतना और मैंडेट मिलना अलग होता है। अगर मोदी विपक्ष को साथ लेकर चलते हैं तो इनके लिए अच्छा होता। दिल्ली में जो माहौल बनाया मोदी जी ने, जिस रूप में दिल्ली राजधानी देश की है, इसलिए दिल्ली में आते तो एक प्रकार से अपडेट हो जाते हैं कि देशवासी क्या सोचते हैं, पीएमओ क्या सोचता है, मोदी जी का क्या संदेश है। और जिस रूप में दिल्ली तड़प रही है, यहाँ पर जो हालात हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, पीएमओ के इशारे पर छापे डाल रहे हैं, और तो और दुख इस बात का होता है कि सीबीआई को तो छापा डालते हुए देखा पुलिस वालों पर, तो रात को 2 बजे सीबीआई के हेडक्वार्टर में छापा डलवा दिया पुलिस का। ये पीएमओ की कर सकता है, मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह जी के रहते हुए संभव है। 70 साल के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। सर, दिल्ली आते हैं तो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबको लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए। अब सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का ही चुनाव जिताएगी इनको? मुझे लगता नहीं कि ये संस्थाओं को कमज़ोर करके खुद को मजबूत कर रहे हैं। जुडिशरी हो, आरबीआई हो, सब संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया है। पर ये कमज़ोर किस लिए कर रहे हैं, ये उनको खुद को भुगतना पड़ेगा या नतीजे भुगतना पड़ेगा? तो ये घमंड नहीं करते, अहम नहीं रखते, विपक्ष को साथ लेके चलते तो मैं समझ में ज़्यादा बेहतर होता उनके खुद के। इस दौरान सीएम गहलोत ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मिशन 25 पर काम कर रही है। बहुत शानदार चल रही कैंपेन हमारी, कोई रोज की मीटिंग हो रही है और शानदार पब्लिक रेस्पॉन्स है वहाँ पर। हम लोग मिशन 25 लेके चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और भी कामयाब होंगे। राहुल जी पहले भी 2-3 में आके गए, अभी आने वाले हैं 5-10 दिन में, सप्ताह 10 दिन में राहुल जी का एक दौरा और बन सकता है राजस्थान का। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 25 सीटों पर किस तरह जीत हासिल की जाए, इसकी रणनीति बनाने में कांग्रेस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो राजनीति में अक्सर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन वैभव गहलोत ने लगता है अपने पिता अशोक गहलोत की तरह सादगी को मानो पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। यही कारण है कि आज जब जोधपुर लोकसभा सीट से उनके प्रतिद्वंदी गजेंद्र सिंह शेखावत उनके सामने आ गए तो वैभव ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। वैभव के इस अंदाज के खुद शेखावत भी कायल हो गए और गले लगाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जोधपुर के मंच पर दिलचस्प नजारा, सियासत में शुचिता का बड़ा उदाहरण। जब वैभव मेट गजेंद्र सिंह शेखावत, मौका था जोधपुर में रामनवमी के त्योहार के उल्लास का और इस मौके पर सियासत में सादगी की नई तस्वीर भी सबके सामने आ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिन के मौके पर जोधपुर की जनता ने सियासत में मान सम्मान और मर्यादा की अनोखी अद्भुत तस्वीर देखी। जरा आप भी इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपने देखा किस तरह एक पुत्र अपने पिता के दिखाए पर चिन्हों पर चल रहा है। रामनवमी के इस समारोह में वैभव गहलोत पहले से मौजूद थे, तभी भीड़ के पीछे से निकलकर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर पहुंच गए। फिर क्या था, वैभव गहलोत ने तुरंत अपनी सादगी और संस्कारों का परिचय देते हुए
गजेंद्र सिंह शेखावत को झुककर प्रणाम कर लिया। वैभव ने सहज भाव से झुककर किया गजेंद्र सिंह शेखावत का अभिवादन। वैभव की इस विनम्रता की कायल हुए गजेंद्र सिंह शेखावत भी। इसके बाद तस्वीर का दूसरा पहलू तो और भी रोचक था। ऐसी तस्वीर जिसे देख एक बार तो जोधपुर के निवासी भी अचंभित हो गए। मंच पर सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने जब वैभव ने गजेंद्र सिंह शेखावत के सहज भाव से प्रणाम लिया तो इस अभिवादन से अभिभूत हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आगे बढ़कर वैभव गहलोत को अपने गले से लगा लिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दिखाया बड़प्पन, लोगों के सामने ही वैभव को लगाया गले। जोधपुर निवासियों ने देखा नायाब नजारा। राम जी के जीवन से यही है, सत्य के रास्ते पे चलें, अहिंसा के रास्ते पे चलें, यही राम जी के जीवन का संदेश है। वैसे तो सियासत की दुनिया में ऐसी तस्वीरें कम ही नजर आती है, लेकिन आज के दौर में इस तस्वीर को राजनीतिक शुचिता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। साफ नजर आया कि वैभव गहलोत अपने पिता अशोक गहलोत के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। आज भी अशोक गहलोत की यही सादगी लोगों के दिलों में राज करती है, जिसकी वजह से उनका नाम न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की राजनीति में अग्रिम पंक्ति के नेताओं में शुमार किया जाता है। और इसी तरह सियासत में सबका सम्मान करने की जो सीख अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को दी, ठीक उनके दिखाए पर चिन्हों पर ही चलते नजर आ रही हैं वैभव गहलोत। और इसी वजह से बेहद कम समय में ही वैभव गहलोत भी पिता अशोक गहलोत की ही तरह लोगों के दिलों पर राज करने लगे हैं। जोधपुर से शिव प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कांग्रेस अब 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स की टीम के दम पर वॉर रूम से लोकसभा की चुनावी जंग लड़ने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में एक सप्ताह की मेहनत के बाद ये हाईटेक वॉर रूम तैयार किया गया है जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के लीडरशिप में काम करेगा। सोमवार को पांडे के जयपुर आने के साथ ही इस वॉर रूम का स्विच भी ऑन हो जाएगा। कांग्रेस के इस हाईटेक वॉर रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता जहां मैदान पे हैं, वहीं पे प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में बड़ा वॉर रूम बना है और इस वॉर रूम से अब लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी और किस तरह जंग लड़ी जाएगी ये यहां पे से कंट्रोल होगा। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये वॉर रूम तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि करीब एक सप्ताह की मेहनत के बाद ये वॉर रूम है। सबसे पहले बड़ा रिसेप्शन बनाया गया है जहाँ पे कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता आएगा उनको यहाँ बैठने के लिए जो उनके लिए बड़ा लॉन्च बनाया गया है ताकि किसी से मुलाकात करनी हो, किसी से मिलना हो तो उनको इंतजार किया। और उसके बाद ये देखिए ये पूरा वॉर रूम है जहाँ पे कह सकते हैं चार बड़ी टेबल है वो लगाई गई है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, IT स्पेशलिस्ट है, वो सब बैठेंगे। सब जगह यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर होंगे और हाईटेक जो वॉर रूम है ये तैयार किया गया है। और इसके अलावा ये खास बात यह है कि इस पूरे वॉर रूम को जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे संभालेंगे जो सोमवार को जयपुर आ जाएंगे और उसके बाद चुनाव तक वो यहाँ पर ही मौजूद रहेंगे। और अविनाश पांडे जहाँ से संचालित करेंगे वो जगह भी आपको दिखाते हैं। ये वह चैम्बर है जो अविनाश पांडे जो प्रदेश प्रभारी है उनके लिए बनाया गया है। इस जगह से वो इस वॉर रूम को कंट्रोल करेंगे, पूरे प्रदेश की राजनीतिक जो गतिविधियाँ उन पर नज़र रखेंगे। और साथ में ये एक VIP लॉन्ज बनाया गया है। जब बड़े नेता होंगे, मुख्यमंत्री आएँ या प्रदेश अध्यक्ष जो रहेंगे वो या AICC से कोई बड़ा पदाधिकारी आएगा तो इस जगह इस लॉन्ज में मीटिंग होगी और यहीं पर कह सकते हैं गुप्त मंत्रणा के द्वारा किस तरह से चुनाव जीता जाएगा ये पूरी रणनीति बनेगी। जय बड़ी बड़ी TV स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पे लगाई गई है जिससे पल पल की जो खबरें हैं वो कांग्रेस जनों तक पहुँचेगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगी। और इस वॉर रूम में क्या क्या होगा PCC के सचिव सुनील पारवानी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। विधानसभा की बजाय इस बार डबल वॉर रूम बनाया गया है। लगता है कांग्रेस बिल्कुल हर तरह से चुनाव जीतने के लिए प्रयास में हर कोशिश कर रही है और पूरी सक्रियता से कह सकते नज़र रखी जाएगी यहाँ से। मिशन 25 यही हमारा टारगेट है और जैसा कि आपको पता है कि चुनाव जो है मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको पूरे राजस्थान के चुनाव पर यहीं से नज़र रखी जाएगी। एक एक लोकसभा विधानसभा बल्कि बूथ मैं कहूँगा उसके लिए यहाँ से हमारे डेटा टीम बैठेगी यहाँ पे
और यहीं से निर्देश जारी होंगे और यहीं से टोटल चुनाव कंट्रोल होगा। डाटा विशेषज्ञ को भी बुलाया गया है और जो मोबाइल नंबर है उनको भी एक बड़ा इकट्ठा किया गया है ताकि कार्यकर्ताओं से जनताओं से संपर्क है वो लगातार बना रहे। शक्ति प्रोजेक्ट हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था राहुल गांधी जी का, तो हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा है और पब्लिक से डायरेक्ट राहुल जी खुद संवाद करते हैं, कभी भी आपके फ़ोन पर भी कभी अगर आप शक्ति से जुड़े हुए हैं तो कभी आपके पास भी फ़ोन आ सकता है। तो शक्ति का जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से पब्लिक का फीडबैक लिया जाएगा ताकि चुनाव में हमें आसानी से अपनी स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिले। बिल्कुल, तो जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो इस बार विधानसभा के बजाय कुछ ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रही है और इसी वॉर रूम से अब कांग्रेस का चुनाव संचालन होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस की एक कोर टीम चुनाव में सफलता हासिल करने में कितनी सफल साबित होती है। कैमरामैन विजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इस बीच बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां जोधपुर तनाव प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की गुजारिश की है। गहलोत ने डीजीपी से बात कर किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने देने की गुजारिश की है, साथ ही शांति और सौहार्द कायम रखने के निर्देश दिए हैं। तो जोधपुर तनाव प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की है और बातचीत के साथ निर्देश भी दिए हैं, शांति और सौहार्द कायम रखने के निर्देश। वहीं अशोक गहलोत ने जालियांवाला बाग के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि वे शहीद जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया, अहिंसक प्रदर्शनकारी थे। क्रूरता की ऐसी घटनाएं याद दिलाती है कि कैसे अत्यंत कठिनाइयों के साथ हमने अपनी स्वतंत्रता जीती है। तो आज जालियांवाला बाग की 100वीं बरसी है। देश जालियांवाला बाग की 100वीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा है। साल 1919 में अमृतसर में हुए इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए थे। भारत के इतिहास में कुछ तारीख कभी नहीं भूली जा सकती हैं। 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर द्वारा किए गए निहत्थे मासूमों के हत्याकांड से केवल ब्रिटिश उपनिवेशक राज की बर्बरता का ही परिचय नहीं मिलता, बल्कि इसने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। आज से 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 15,000 से 20,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने रोलेट एक्ट और 10 अप्रैल की गोलीबारी की भत्सना करते हुए दो प्रस्ताव पारित किए। जैसे ही लोग सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के बारे में एक और प्रस्ताव पारित करने वाले थे, तो ठीक उसी समय पर डायर अपनी फौज को लेकर पहुंचा और बाग से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। बर्बर फौज ने लगातार 20 मिनट तक गोलियां खत्म होने तक जनसभा पर गोलियां चलाई। उन्होंने दीवारों पर चढ़कर बच निकलने की कोशिश करने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा। गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए 100 से अधिक लोग एक कुएं में कूद पड़े और मारे गए। दर्जनों घायल लोगों को जान से हाथ धोने पड़े क्योंकि उन्हें अस्पताल ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। कुल मिलाकर 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए। वो हत्याकांड इतना भयानक था कि उसे देखने वाले उसे कभी न भुला सके।
शहीद उधम सिंह ने जवानी में उस हत्याकांड को देखा था। 20 साल बाद उधम सिंह ने लंदन जाकर एक जनसभा में डायर पर गोली चलाई और उसे मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। इसके लिए उधम को फांसी दी गई। महान शहीद भगत सिंह उस हत्याकांड से बहुत दुखी हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वो बालक मात्र थे। उन्होंने वहां से थोड़ी सी खून से सींची हुई मिट्टी उठा ली थी और कई सालों तक उसे अपने पास रखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ देश भर में विरोध की आवाज उठी। उसके दो दिन बाद गुजरावाला में एक विरोध प्रदर्शन पर मशीन गन और विमानों से हमला किया गया। कई दर्जन लोग मारे गए। पूरे पंजाब पर सैनिक शासन लागू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सीएम अशोक गहलोत ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दी है। अशोक गहलोत ने लिखा है कि रामनवमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन सेवा, त्याग, सामाजिक समरसता की स्थापना के साथ ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने का अनुपम उदाहरण है। भगवान श्री राम ने न्याय एवं सत्य को समाज में प्रतिस्थापित किया। इस पर हम सब उनके आदर्शों को अंगीकार करते हुए देश एवं समाज की उन्नति में सदैव समर्पित रहने का संकल्प लें। रामनवमी का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं अलग अलग जिलों की तस्वीरें, जहां क्या कुछ चमक रहा। तो सबसे पहली तस्वीर आप बीकानेर की देख रहे हैं, उदयपुर की, उसके बाद बांसवाड़ा, नागौर, सीकर, प्रतापगढ़। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जिसके जरिए आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु बड़ी तादाद में अपने अपने जिलों के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जो आस्था का केंद्र है वहां पहुंच रहे हैं और भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन कर रहे हैं। और चूंकि आज अष्टमी भी था तो उस लिहाज से भी लोगों ने कन्या पूजन किया और ये नजारा भी आपको देखने को मिल रहा है। बीकानेर की पहली तस्वीर जहां पे कन्या पूजन, और दूसरी तस्वीर उदयपुर की है जहां श्रद्धालु काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं श्रद्धालुओं की तादाद। प्रतापगढ़ में लोग झूमते नाचते भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीकर, चूंकि खाटू श्याम जी के लिए मशहूर है, तो वहां भी लोग काफी तादाद में मंदिरों का रुख किए। नागौर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रामनवमी को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर लोग झंडा हाथों में थामे आगे बढ़ रहे थे। और सिर्फ ये 6 जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर में रामनवमी को लेकर हर्षोल्लास का माहौल रहा। लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया, क्योंकि आदर्श पुरुष हैं भगवान श्री राम हम सबके जीवन में। और इसके साथ अगर अष्टमी की बात करें तो घर घर आज कन्या पूजन हुआ, मंदिरों में अनुष्ठान हुए, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नगर भ्रमण पर निकले भगवान राम और झांकियां कई जगहों पे देखने को मिली। प्रतापगढ़ की जो ये तस्वीरें हैं जहां आप देख रहे हैं श्रद्धालु झूमते नाचते और गाते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। एरावत भी तस्वीरों में जहां उस दौर को ही दर्शाने की कोशिश हो रही है। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप आगे जरूर देखिए टेढ़ी नजर।